नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो ओम की आज टीम से मुलाकात हुई। सौरभ जी थे, दुर्गा जी थे और आप लोग से मिलके एक मुझे मेरी कमी का एक एहसास हुआ कि शायद 2-3 महीने से मैंने बहुत कम्युनिकेट नहीं किया मार्केट में। कुछ ज़्यादा वीडियोस भी नहीं आए, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। और कल के डिस्कशन में जो आपकी टीम से बात हुई, इसमें एक गैप मुझे बहुत बड़ा और सीरियस दिखाई दिया कि मुझे कम्युनिकेट करते रहना चाहिए था। मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक गैप रहेगा कुछ टाइम के लिए। जो मार्केट की कंडीशंस है अभी, उन कंडीशंस को देखते हुए हमें अपने आप को रीपैकेज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की प्राइजेस, ये सब चीज़ों को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि जो ड्रीम हमने देखे थे, दिखाए थे, वो ड्रीम्स 100% पूरे होने चाहिए लोगों के। 2019 बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, डेफिनेटली रहा है, परंतु ये संघर्ष बहुत कुछ सिखा के गया। बहुत सारे लोग आज भी इंतज़ार में कि आराम से फिर से शुरू हो, तेज़ी से शुरू तो है ही। थर्ड टेम्पल अच्छा है कर रहा, परंतु वो नहीं कर रहा जिसकी हमें उम्मीद, जिसकी उम्मीद आरएमसीएल से लोगों को रही है। परंतु उसका कारण सिर्फ आरएमसीएल नहीं है, उसका कारण मार्केट की मंदी है, उसका कारण थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, जो लास्ट के लोग थे जो नए नए जुड़े थे उनकी अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुई थी, उस वजह से नेगेटिविटी रही है। 2020 तो अगले साल आ ही रहा है, 15 दिन बचे, 10 दिन नहीं बचे। 20 जनवरी को मेरा जन्मदिन भी है। 20 20 20, ये टारगेटेड डेट हमने इंटरनली डिसाइड कर रखी थी कि इस दिन से ये जो सोया हुआ ज्वालामुखी है फटने वाला है। क्या होगा इस दिन से, डेफिनेटली अभी सारी बातें नहीं बताना चाहूँगा, कुछ सस्पेंस रहना चाहिए, पर ये मान के चलिएगा कि डीएनए डायनासोर का है। बहुत सारे भेड़ बकरी, हमें पूरा रिस्पेक्ट है सबके लिए। इस इंडस्ट्री को कोई भी तरीके से शिद्दत से करता है, हम उसे अपना एक अच्छा कॉम्पिटिटर मानते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन में हम विश्वास रखते हैं। परंतु जिस तरीके से आरएमसीएल के वैक्यूम की वजह से बहुत सारी चीज़ें तैयार हुई, हम चाहते हैं कि वो भी अच्छा करें। परंतु 20 20 20, इस दिन के बाद वन साइडेड, न सिर्फ हिंदुस्तान परंतु अब जितने और स्टेट्स हमने पिछले 3 महीने में खोले हैं, जो अंडरग्राउंड तैयारियां चल रही है वो दिखाई देगी आपको। कल हमने, देखिए मेरी आदत है कि कभी कभार बातें बड़ी लगती हैं, 2015 में भी हमने बड़ी बात की थी, फील्ड में जाकर खुल के बड़ी बातें की थी, लोग रिस्पॉन्स देते थे कि सर ऐसा नहीं हो सकता, इतिहास में हुआ नहीं है। कल हम लोगों ने अगले 5 साल में इस पूरी इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पर ले जाने की बातें की। डेफिनेटली वो सारी बातें बड़बोलापना लग गई होगी, मान के चलिएगा वो सारी बातें हकीकत में साबित होने वाली है। बहुत बड़ी तैयारियाँ चल रही है, बहुत बड़े रिसोर्स मूवमेंट हो रहे हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से पॉजिटिविटी, हमारे इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारे बैंकर्स फिर से पहले जितनी ताकत लगाए थे उससे 100 गुना बड़ी ताकत लगाकर इस इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स, बेहतरीन इंसेंटिव हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, तेज इंसेंटिव्स, वीकली इंसेंटिव्स, बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट, और जो कल्चर हमने क्रिएट किया था, शुरुआत ही हुई थी, एक बार लड़खड़ा गया बीच में, डेफिनेटली जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि इतने एग्रेसिव प्लान चलाने के बावजूद हमने हर एक व्यक्ति को कम्युनिकेट किया है, हर एक व्यक्ति को
चीज़ों को रिजॉल्व किया है। हमारी बहुत सारी दुकानें इनएक्टिव हो गई थी, उन दुकानों को हमने सपोर्ट किया है, और ये करके मैंने कोई एहसान नहीं किया, वो मेरे परिवार का हिस्सा है और मुझे जितना होगा डेफिनेटली मैं अभी भी ज़िंदगी में भी करता रहूँगा। परंतु 20 जनवरी से एक अलग चीज़ दिखाई देगी आपको, एक अलग एग्रेशन दिखाई देगा आपको। तो आप लोग सबसे मेरी गुजारिश है, ये वीडियो शायद आपकी टीम के सिवा दूसरी टीम के लोग भी देखें, मेरी गुजारिश है कि तब तक मैं पूरा क्लीन अप कर दीजिए, VOP शुरू करिए, होम मीटिंग शुरू करिए, लोगों को 20 तारीख तक की तैयारी करवाना शुरू करिए, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं होगा, उसके बाद बहुत तेज़ी से काम को आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छा काम बैकग्राउंड में चल रहा है, हर चीज़ें आपको टाइम पे बता दी जाएगी। जो तैयारी चल रही है, यदि मैंने 2015 में कोई बात करी थी तो हमने करीब करीब 60-70% उस बातों को पूरा किया था। आज मैं फिर से 2015 में जो टारगेट था हमारा, उससे तकरीबन 100 गुना बड़े टारगेट की हम लोग कल बात कर रहे थे। हम लोग तकरीबन $10 बिलियन की बात कर रहे थे, जिसका मतलब होता है 70,000 करोड़। ये पूरी मार्केट का साइज़ ही 30,000 करोड़ है, और हमारा एम है कि RMCL का टर्नओवर हम 70,000 करोड़ का क्रिएट करें। यानी कि इस इंडस्ट्री को भी ग्रो करना पड़ेगा, जो कमियाँ हमारे अंदर थी उससे हमें सीखना पड़ेगा, जो एक आवेश में आके हम काम कर जाते थे हमें थोड़ा संतुलित होना पड़ेगा। परंतु इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री की साइज़ ही 30,000 करोड़ है, यदि हम 70,000 करोड़ का RMCL का टारगेट कर रहे हैं अगले 5 साल में, तो बहुत होलिस्टिक तरीके से काम करना पड़ेगा, नई ऑडियंस के पास पहुंचना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्रोफाइल को उस तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा टेलीविज़न की एडवर्टीज़मेंट, थोड़ा कन्वेंशनल मीडिया की एडवर्टीज़मेंट, इन सब की हेल्प लेनी पड़ेगी, और बहुत बड़े रिसोर्स की ज़रूरत होगी। रिसोर्स मोटे तरीके से प्लान आउट हो गया है, रिसोर्स इन्फ्यूज़ हो जाएगा। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आज की डेट में इनएक्टिव हो गए हैं या छोटी मोटी कंपनियां कर रहे हैं, मेरा सबसे आह्वान है कि आप लोग यदि वहाँ खुश हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, तो मेरी 100% आपके साथ में सहानुभूतियाँ भी है, हर चीज़ है, सारी शुभकामनाएँ हैं। परंतु यदि स्टॉप गैप अरेंजमेंट था तो आप लोग अपनी नियर बाई टीम्स के साथ में बात करना शुरू कर दीजिए। 20 तारीख 2020, उस दिन से इस इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने की तैयारी शुरू हो गई है। 70,000 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ RMCL करने जा रही है, जिस इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर 30,000 करोड़ है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारियां, किस हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं और किस लेवल पे लेके जाएंगे। इस बात को मैंने 2015 में भी इस टाइप की बात करता था, परंतु उस टाइप पर हमारा टारगेट सिर्फ 2,500 करोड़ का होता था, उसमें हमने 60-70% अचीव भी किया। परंतु अब टारगेट जो है वो बहुत बड़ा टारगेट है, तो आपको हमको दोनों को तैयार होना पड़ेगा, दोनों अपनी कमियों से सीखेंगे, और मैं मानता हूँ कि एक गैप हुआ है, गैप जरूरी था। परंतु बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या मुझे इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा 100% इस इंडस्ट्री में पूरा फेथ है, और एक जगह जहाँ पर नाम के साथ में कहीं धब्बा लगा है वहीं उसे क्लीन भी नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर लीडरशिप साबित करनी है कि जो एम से हम चले थे 2015 में, उस एम को यदि हम बीच में कहीं कोई बाधा आई, उस बाधा से हम बाहर निकल चुके हैं, उस एम को पूरा करना है। हो सकता है टारगेट 1-2 साल आगे चला जाए, परंतु टारगेट बहुत बड़ा हो गया है। 30,000 करोड़ की टोटल मार्केट साइज में RMCL का टारगेट है कि अगले 5 साल के अंदर RMCL का अकेले का टर्नओवर 70,000 करोड़ हो। यानी इस इंडस्ट्री को भी हमें ग्रो करना पड़ेगा, और उस इंडस्ट्री का 60-70% मार्केट शेयर हमें लेना है। यानी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए भी बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्री साइज कम से कम 1,00,000 करोड़ की हो, ताकि हम 70,000 करोड़ का स्वयं काम कर पाए। और हमें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, हमें आज की विचारधारा को समझना पड़ेगा, आज की बाइंग कैपेसिटी को समझना पड़ेगा, आज की टेक्नोलॉजी जो जरूरत है उसको समझना पड़ेगा। और जब जीरो से शुरू किया था और उस लेवल पे हम लेके गए थे, तो आज की डेट में तो और ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं। लोगों ने देखा है, जब तक देखे प्रॉब्लम शुरू ही नहीं हुई होती, आई नहीं होती है, तब तक सारी बातें होती है कि प्रॉब्लम में किस तरीके से लोग बिहेव करेंगे। परंतु बहुत अच्छा हुआ कि इस तरीके की एक
चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हुई और हमने इस चैलेंजिंग सिचुएशन में डेफिनेटली आपको कहीं नीचा नहीं देखने दिया। आपकी कंपनी हमेशा आपके साथ खड़ी रही, हर चीज़ों को फेस किया और ये जो कर्मठता है ये डेफिनेटली इंडस्ट्री के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लोग का हमारा कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है कि यदि ऐसी सिचुएशन को भी हम हैंडल कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस मार्केट का लीडर हमें ही बनना है, RMCL को ही बनना है। थर्ड टेम्पल के द्वारा एक अलग सोशलिस्टिक एंगल, कल काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई आपकी टीम के साथ में, सोशलिस्टिक एंगल को लेकर आना है। हम कोई भी काम करते हैं उसके अंदर एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। हम अपनी टीम की जो विमेन कार्यकर्ता हैं, जितने हमारी विमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, औरतें हैं, उनके ऊपर विशेष काम करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग लास्ट वाले फेज़ में मुझे लगता है कि हमारी पार्टिसिपेशन कम थी। हमारे टोटल डिस्ट्रीब्यूटर बेस का 20% ही वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, इस बार हम उसे कैसे भी करके 35-40% तक लेके जाएं। तो बहुत लंबी तरीके से बात हुई है और मैं पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री में नंबर वन बनने के लिए, इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए और इस इंडस्ट्री का पूरे हिंदुस्तान के GDP में एक अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए हम लोग सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, बैंकर से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकर से बात कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी से बात कर रहे हैं और सब जगह। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हर स्टेक होल्डर ने RMCL में कॉन्फिडेंस रखा है, हर स्टेक होल्डर अपना रोल निभाने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा सपोर्ट यदि आपको चारों तरफ से मिल रहा है, ईश्वर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में आज हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स खुश हैं। ठीक है, चैलेंज फेस किया होगा परंतु आप समझ सकते हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से सारी बातें नहीं कर पाऊंगा, परंतु आप खुद समझ सकते हैं कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका कारण ये था कि आपकी कंपनी आपके पीछे खड़ी थी, आपकी कंपनी ने हमेशा फेस किया है, आगे बढ़कर लीडरशिप ली है। जब प्रॉब्लम थी तो सबसे आगे हम खड़े थे, सबकी बातें भी सुनी होगी, परंतु ये चीज़ लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो आप लोग सब लोग तैयार रहिए, 20 जनवरी 2020, उसके बाद से कोई बहाना नहीं, कोई आलस नहीं, वन साइड। और ये एक 7-8 महीने का जो गैप हुआ है उसे 2-3 महीने में ही कवर करना है, बिजनेस को वापस पीक पर लेके जाना है और सब अपने अपने ग्रुप के, अपने अपने आसपास की दुकानों को पॉजिटिव करना शुरू करिए, वहाँ के डेपो की सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही करना शुरू करिए। टीम यहाँ पे मौजूद है, आप लोग सबसे बात करिए और रिजॉल्व करिए चीज़ों को, रिकनसाइल करिए। हो सकता है कि सारी चीज़ें जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा हो आप नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, परंतु बातें करना, उनका सॉल्यूशन की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपनी बहुत बड़े रिसोर्सेज को ऑलरेडी मोबिलाइज कर चुकी है, अगले महीने रिसोर्सफुल तरीके से मैं आपको कुछ डेटा दूंगा। आप अभी जो आपको डेटा दिया है थोड़ा सा हास्यास्पद होगा कि जिस इंडस्ट्री की साइज 30,000 करोड़ है, उस इंडस्ट्री में 70,000 करोड़ का कभी हम टारगेट करते हैं तो कभी कभी हास्यास्पद लगता है, परंतु तो ऐसी चीज़ें हमने आज तक लाइफ में पूरी की है। मेरा लाइफ का 22वां बिजनेस के अंदर 22वां साल है और जिस इंडस्ट्री में हम गए हैं हमने ऐसे ही स्थापित की है, सारी बातें हमने आज तक प्रूफ की है। मैंने अपना पर्सनल ब्रांड इस पर लगाया है, मैंने अपनी कंपनी का ब्रांड इस पर लगाया है, मैंने अपने परिवार का ब्रांड इस पर लगाया है। तो डेफिनेटली कोई भी हास्यास्पद बात अभी लग रही होगी, सीरियस नोट पे इसे नोट करके रख लीजिएगा, 5 साल के बाद इसे हम प्रूव कर चुके होंगे। टोटल इंडस्ट्री को ग्रो करना, टोटल रिकंसिलेशन के साथ आगे बढ़ना, लोगों से बात करना, सारी चीजें नहीं कर सके थोड़ी करें आगे बढ़े, ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए 2-3 चीजें चाहिए। 100% इन्वॉल्वमेंट पैशन के साथ, जो आपने मुझे काम करते हुए देखा है। आज आप जहाँ कहीं पे भी होंगे मुझे पूरा विश्वास है, ये मैं उन टीमों के लिए कह रहा हूँ जो शायद अभी हमारे साथ काम नहीं कर रही है। कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पर्सनल लेवल पर मुझे मिस कर रहे हो। रिसोर्सेस ये 10-20-50 लाख 1 करोड़ रुपये लगा के काम करने वाला काम नहीं है, इसमें पूरी तरीके से रिसोर्स चाहिए। आपको पूरे इंडिया की सप्लाई चेन को एक रीजनेबल प्राइस पे, रीजनेबल बिजनेस वॉल्यूम के साथ में अवेलेबल कराना है।
देखिए सपने सब देखते हैं, सबको अधिकार है देखने का, परंतु जो स्केल RMCL का है, पिछले 7 महीने में मुझे कोई भी ऐसी कंपनी दिखाई नहीं दी जो इसे कम्पीट कर सके। ठीक है, हाथी बीमार हो गया होगा बीच में, पर हाथी की तुलना भेड़ बकरियों से नहीं की जा सकती। तो अभी आपका हाथी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और 100% आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ में तैयार हो जाइए 2020 जनवरी वन साइडेड करने के लिए। फिर से वही ताकत, वही जुनून, वही पैशन, एंड विल मेक इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू। एक अच्छा कॉम्पिटिटर मानते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन में हम विश्वास रखते हैं, परंतु जिस तरीके से RMCL के वैक्यूम की वजह से बहुत सारी चीज़ें तैयार हुई, हम चाहते हैं कि वो भी अच्छा करें। परंतु 20-20-20 इस दिन के बाद वन साइडेड न सिर्फ हिंदुस्तान, परंतु अब जितने और स्टेट्स हमने पिछले 3 महीने में खोले हैं, जो अंडरग्राउंड तैयारियां चल रही है वो दिखाई देगी आपको। कल हमने, देखिए मेरी आदत है कि कभी कभार बातें बड़ी लगती हैं, 2015 में भी हमने बड़ी बात की थी, फील्ड में जाकर खुल के बड़ी बातें की थी, लोग रिस्पॉन्स देते थे कि सर ऐसा नहीं हो सकता, इतिहास में हुआ नहीं है। कल हम लोगों ने अगले 5 साल में इस पूरी इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पर ले जाने की बातें की है। डेफिनेटली वो सारी बातें बड़बोलापना लग रही होगी, मान के चलिएगा वो सारी बातें हकीकत में साबित होने वाली है। बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है, बहुत बड़े रिसोर्स मूवमेंट हो रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से पॉजिटिविटी हमारे इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारे बैंकर, फिर से पहले जितनी ताकत लगाई थी उससे 100 गुना बड़ी ताकत लगाकर इस इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स, बेहतरीन इंसेंटिव हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, तेज इंसेंटिव्स, वीकली इंसेंटिव्स, बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट, और जो कल्चर हमने क्रिएट किया था, शुरुआत ही हुई थी, एक बार लड़खड़ा गया बीच में, डेफिनेटली जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि इतने एग्रेसिव प्लान चलाने के बावजूद हमने हर एक व्यक्ति को कम्युनिकेट किया है, हर एक व्यक्ति के चीज़ों को रिजॉल्व किया है। हमारी बहुत सारी दुकानें इनएक्टिव हो गई थी, उन दुकानों को हमने सपोर्ट किया है, और ये करके मैंने कोई एहसान नहीं किया, वो मेरे परिवार का हिस्सा है और मुझे जितना होगा डेफिनेटली मैं अभी भी ज़िंदगी में भी करता रहूँगा। परंतु 20 जनवरी से एक अलग चीज़ दिखाई देगी आपको, एक अलग एग्रेशन दिखाई देगा आपको। तो आप लोग, सबसे मेरी गुजारिश है, ये वीडियो शायद आपकी टीम के सिवा दूसरी टीमों के लोग भी देखें, मेरी गुजारिश है कि तब तक मैं पूरा क्लीन अप कर दीजिए, VOP शुरू करिए, होम मीटिंग शुरू। परंतु बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या मुझे इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा 100% इस इंडस्ट्री में पूरा फेथ है, और एक जगह जहाँ पर नाम के साथ में कहीं धब्बा लगा है वहीं उसे क्लीन भी नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर लीडरशिप साबित करनी है कि जो एम से हम चले थे 2015 में, उस एम को यदि हम बीच में कहीं कोई बाधा आई, उस बाधा से हम अब बाहर निकल चुके हैं, उस एम को पूरा करना है। हो सकता है टारगेट 1-2 साल आगे चला जाए, परंतु टारगेट बहुत बड़ा हो गया है। 30,000 करोड़ की टोटल मार्केट साइज में RMCL का टारगेट है कि अगले 5 साल के अंदर RMCL का अकेले का टर्नओवर 70,000 करोड़ हो, यानी इस इंडस्ट्री को भी हमें ग्रो करना पड़ेगा और उस इंडस्ट्री का 60-70% मार्केट शेयर हमें लेना है। यानी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए भी बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्री साइज कम से कम 1,00,000 करोड़ की हो, ताकि हम 70,000 करोड़ का स्वयं काम कर पाए, और हमें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, हमें आज की विचारधारा को समझना पड़ेगा, आज की बाइंग कैपेसिटी को समझना पड़ेगा, आज की टेक्नोलॉजी जो जरूरत है उसको समझना पड़ेगा। और जब 0 से शुरू किया था और उस लेवल पे हम लेके गए थे, तो आज की डेट में तो और ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं, लोगों ने देखा है, जब तक देखे प्रॉब्लम शुरू ही नहीं हुई होती, आई नहीं होती है, तब तक
सारी बातें होती हैं कि प्रॉब्लम में किस तरीके से ये लोग बिहेव करेंगे, परंतु बहुत अच्छा हुआ कि इस तरीके की एक चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हुई और हमने इस चैलेंजिंग सिचुएशन में डेफिनेटली आपको कहीं नीचा नहीं देखने दिया, आपकी कंपनी हमेशा आपके साथ खड़ी रही, हर चीज़ों को फेस किया। और ये जो कर्मठता है ये डेफिनेटली इंडस्ट्री के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लोग का हमारा कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है कि यदि ऐसे सिचुएशन को भी हम हैंडल कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस मार्केट का लीडर हमें ही बनना है, RMCL को ही बनना है। थर्ड टेम्पल के द्वारा एक अलग सोशलिस्टिक एंगल, कल काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई आपकी टीम के साथ में, सोशलिस्टिक एंगल को लेकर आना है। हम कोई भी काम करते हैं उसके अंदर एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। हम अपनी टीम की जो विमेन कार्यकर्ता हैं, जितने हमारी विमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, औरतें हैं, उनके ऊपर विशेष काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग लास्ट वाले फेज़ में मुझे लगता है कि हमारी पार्टिसिपेशन कम थी। हमारे टोटल डिस्ट्रीब्यूटर बेस का 20% ही वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, इस बार हम उसे कैसे भी करके 35-40% तक लेके जाएं। तो बहुत लंबी तरीके से बात हुई है और मैं पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री में नंबर वन बनने के लिए, इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए और इस इंडस्ट्री का पूरे हिंदुस्तान के GDP में एक होम मीटिंग शुरू करिए, लोगों को 20 तारीख तक की तैयारी करवाना शुरू करिए, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं होगा। उसके बाद बहुत तेज़ी से काम को आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छा काम बैकग्राउंड में चल रहा है, हर चीज़ें आपको टाइम पे बता दी जाएगी। जो तैयारी चल रही है, यदि मैंने 2015 में कोई बात करी थी तो हमने करीब करीब 60-70% उस बातों को पूरा किया था। आज मैं फिर से 2015 में जो टारगेट था हमारा, उससे तकरीबन 100 गुना बड़े टारगेट की हम लोग कल बात कर रहे हैं। हम लोग तकरीबन $10 बिलियन की बात कर रहे थे, जिसका मतलब होता है 70,000 करोड़। ये पूरी मार्केट का साइज ही 30,000 करोड़ है और हमारा एम है कि RMCL का टर्नओवर हम 70,000 करोड़ का क्रिएट करें। यानी कि इस इंडस्ट्री को भी ग्रो करना पड़ेगा, जो कमियां हमारे अंदर थी उससे हमें सीखना पड़ेगा, जो एक आवेश में आके हम काम कर जाते थे हमें थोड़ा संतुलित होना पड़ेगा। परंतु इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री की साइज़ ही 30,000 करोड़ है, यदि हम 70,000 करोड़ का RMCL का टारगेट कर रहे हैं अगले 5 साल में, तो बहुत होलिस्टिक तरीके से काम करना पड़ेगा, नई ऑडियंस के पास पहुंचना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्रोफाइल को उस तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा टेलीविज़न के एडवर्टीजमेंट, थोड़ा कन्वेंशनल मीडिया के एडवर्टीजमेंट, इन सब की हेल्प लेनी पड़ेगी और बहुत बड़े रिसोर्स की ज़रूरत होगी। रिसोर्स मोटे तरीके से प्लान आउट हो गया है, रिसोर्स इन्फ्यूज़ हो जाएगा। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आज की डेट में इनएक्टिव हो गए हैं या छोटी मोटी कंपनियां कर रहे हैं, मेरा सबसे आह्वान है कि आप लोग यदि वहाँ खुश है तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, तो मेरी 100% आपके साथ में सहानुभूतियाँ भी है, हर चीज़ है, सारी शुभकामनाएं हैं। परंतु यदि स्टॉप गैप अरेंजमेंट था तो आप लोग अपनी नियर बाई टीम्स के साथ में बात करना शुरू कर दीजिए। 20 तारीख 2020, उस दिन से इस इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने की तैयारी शुरू हो गई है। 70,000 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ RMCL करने जा रही है, जिस इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर 30,000 करोड़ है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारियां, किस हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं और किस लेवल पे लेके जाएंगे। इस बात को मैंने 2015 में भी इस टाइप की बात करता था, परंतु उस टाइप पर हमारा टारगेट सिर्फ 2,500 करोड़ का होता था, उसमें हमने 60-70% अचीव भी किया। परंतु अब टारगेट जो है वो बहुत बड़ा टारगेट है, तो आपको हमको दोनों को तैयार होना पड़ेगा, दोनों अपनी कमियों से सीखेंगे। और मैं मानता हूँ कि एक गैप हुआ है, गैप जरूरी था। परंतु नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो ओम की आज टीम से मुलाकात हुई, सौरभ जी थे, दुर्गा जी थे, और आप लोग से मिलके एक मुझे मेरी कमी का एक एहसास हुआ कि शायद 2-3 महीने से मैंने बहुत कम्युनिकेट नहीं किया मार्केट में, कुछ ज़्यादा वीडियोस भी नहीं आए, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। और कल के डिस्कशन में जो आपकी टीम से बात हुई, इसमें एक गैप मुझे बहुत बड़ा और सीरियस दिखाई दिया कि मुझे कम्युनिकेट करते रहना चाहिए था। मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक गैप रहेगा कुछ टाइम के लिए,
जो मार्केट की कंडीशंस है अभी, उन कंडीशंस को देखते हुए हमें अपने आप को रीपैकेज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की प्राइजेस, ये सब चीज़ों को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि जो ड्रीम हमने देखे थे, दिखाए थे, वो ड्रीम्स 100% पूरे होने चाहिए लोगों के। 2019 बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, डेफिनेटली रहा है, परंतु ये संघर्ष बहुत कुछ सिखा के गया। बहुत सारे लोग आज भी इंतज़ार में कि आराम से फिर से शुरू हो, तेज़ी से शुरू तो है ही, थर्ड टेम्पल अच्छा है कर रहा, परंतु वो नहीं कर रहा जिसकी हमें उम्मीद, जिसकी उम्मीद आराम से लोगों को रही है। परंतु उसका कारण सिर्फ आराम से नहीं है, उसका कारण मार्केट की मंदी है, उसका कारण थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, जो लास्ट के लोग थे जो नए नए जुड़े थे उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थी, उस वजह से नेगेटिविटी रही है। 2020 तो अगले साल आ ही रहा है, 10 दिन बचे। 20 जनवरी को मेरा जन्मदिन भी है। 20 20 20 ये टारगेटेड डेट हमने इंटरनली डिसाइड कर रखी थी कि इस दिन से ये जो सोया हुआ ज्वालामुखी है फटने वाला है। क्या होगा इस दिन से, डेफिनेटली अभी सारी बातें नहीं बताना चाहूँगा, कुछ सस्पेंस रहना चाहिए, पर ये मान के चलिएगा कि डीएनए डायनासोर का है। बहुत सारे भेड़ बकरी, हमें पूरा रिस्पेक्ट है सबके लिए। इस इंडस्ट्री को कोई भी तरीके से शिद्दत से करता है, हम उसे अपना एक अच्छा कॉम्पिटिटर मानते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन में हम विश्वास रखते हैं। परंतु जिस तरीके से आरएमसीएल के वैक्यूम की वजह से बहुत सारी चीज़ें तैयार हुई, हम चाहते हैं कि वो भी अच्छा करें। परंतु 20 20 20 इस दिन के बाद वन साइडेड, न सिर्फ हिंदुस्तान परंतु अब जितने और स्टेट्स हमने पिछले 3 महीने में खोले हैं, जो अंडरग्राउंड तैयारियां चल रही है वो दिखाई देगी आपको। कल हमने, ये मेरी आदत है कि कभी कभार बातें बड़ी लगती हैं, 2015 में भी हमने बड़ी बात की थी, फील्ड में जाकर खुल के बड़ी बातें की थी, लोग रिस्पॉन्स देते थे कि सर ऐसा नहीं हो सकता, इतिहास में हुआ नहीं है। कल हम लोगों ने अगले 5 साल में इस पूरी इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पर ले जाने की बातें की है। डेफिनेटली वो सारी बातें बड़बोलापना लग रही होगी, मान के चलिएगा वो सारी बातें हकीकत में साबित होने वाली है। बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है, बहुत बड़े रिसोर्स मूवमेंट हो रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमें कुछ सवालों का जवाब मिल चुका होगा। जो भी उम्मीदें थी उस अकॉर्डिंग हमें बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो बस मैं यही बताना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहे इस चैनल पे, जैसे ही कोई नया अपडेट आती है बिल्कुल मैं शेयर करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।